गाइस फिलहाल अभी मैं निकल गया हूँ रूम से, जस्ट अभी नहा धो के रेडी होके, स्विमिंग पूल से रेडी होके अभी हम लोग लंच में जा रहे हैं। और लंच जो होगा आज हम लोग का बाहर में होगा, ताजपुर बोल के जगह है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे लाडो कम बेटा, से हाय। ओके ओके, हाँ हम लोग जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से रेडी हो गए हैं और सोमिली वहाँ पे रेडी होके खड़ी है। स्वामी कम कम कम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। ओके, तो आप वीडियो में बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक वीडियो जो है वो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करके रख रहे हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो पाए गाड़ी, नहीं तो बहुत ज़्यादा सारा दिन एक्चुअली गाड़ी बाहर में था ना। तो ओपन पार्किंग है यहाँ पे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ओपन पार्किंग है, जिसकी वजह से कार जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अभी हम लोग फिलहाल कार को जो है थोड़ा चला कर रख दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद अभी हम लोग निकलने वाले हैं। हम लोग सारा कोई रेडी है, लाडू भी रेडी है, अच्छा है, सभी लोग हैं तो यहाँ पे सारे लोग रेडी हैं। कहाँ जा रहे हो? ताजपुर। क्या ताज लेने? ताज लेने। ये जो नया ब्रिज आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे आपका राइट साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शंकरपुर फिशिंग हार्बर है। ये तो ये जो है ना मंदार मुनि को और ताजपुर को कनेक्ट करने के लिए ये ओवर ब्रिज बनाया गया है, जो कि अराउंड दीघा यहाँ से 18 किलोमीटर का है, 18.5 किलोमीटर है। और इस ब्रिज का नाम अगर देखेंगे आप तो ये ब्रिज का नाम है जालदा ब्रिज, जालदा ब्रिज है ये। और ये नया ब्रिज बना है, तो ये ब्रिज बहुत ही मतलब एक बहुत जल्दी से आपको पहुँचा देता है ताजपुर। तो अभी हम लोग यहाँ से ब्रिज का नजारा देखिए, बहुत ही अच्छा ब्रिज है ये। यहाँ पे अभी हम लोग ये ब्रिज को पकड़ते हुए ताजपुर जा रहे हैं। ओके, तो आप देखिए बायां दायां दोनों तरफ आपका समंदर, और मैं अभी चला रहा हूँ गाड़ी ब्रिज के ऊपर। जो है पहुंच गया है ताजपुर बीच। हम लोग पहुंच गए अभी ताजपुर बीच, और यहां से अभी हम लोग इस साइड में हम लोग जा रहे हैं। यहां पे जो है फ्रेश फ्रेश खाना आपको संगी संग बना के प्रोवाइड किया जाएगा। तो भाई ने कहा कि हम लोग रेस्टोरेंट का खाना खाए ही है, अब जाके थोड़ा आज यहां पे सामने में गर्मा गर्म खाना बना के देगा, तो एक टेस्ट भी अलग होता है। जैसे कि मतलब एक गांव देहात का होता है ना कि मतलब अच्छे से एकदम दाल वगैरह सब्जी वगैरह बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, तो उस तरह का खाना मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा कि डिज़ाइनर टाइप का, लेकिन थोड़ा सिंपल में ही खाना जो होगा वो टेस्ट अच्छा होगा। हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर में जाने वाले हैं। चलो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं दोपहर का लंच के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये पूरा जो है ना यहाँ पे इनका चौताल बना हुआ है पूरा एक बैम्बू का। दूसरे पर है यहाँ से आप पूरा सी व्यू देखते हैं, और यहाँ पे आप अपना खाना पीना जो भी है वो ऑर्डर दे सकते हैं। मैं आपको किचन दिखा देता हूँ, ये जो मासी है वो हम लोग का यहाँ पे खाने का ऑर्डर देगी, और जो भी खाना वो यहाँ पे वो बना के देगी हमारे। तो यहाँ पे आप जैसे ये देख रहे हैं देसी मुर्गा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या खाना है, उस हिसाब से हम लोग उनको बोलेंगे और वो बना के देंगे। आप जैसे यहाँ पे आके देखेंगे ये इनका सामने में जो होता है, यहाँ पे हम लोग का किचन है, तो अपने हिसाब से जो भी खाना है
मासी तुरंत बना के देती है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, जो खाना बनाने में जो टाइम लगता है वो टाइम लगेगा। तो यहाँ अभी मासी की रन्ना होता है बंजार, अच्छा अच्छा, तो এখানে মাছ ভাজা হচ্ছে আর এখানে আপনার এটা কি বলেন আচ্ছা মাছের মাছের বীজ। तो ये अभी आपका इनका जिनका ऑर्डर है वो यहाँ पे बना रहे हैं, तो अभी भाई जो है हम लोग का वो ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद हम लोग अभी यहाँ पे। तो ये एक इससे एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश खाना मिलता है, आपको जो चाहिए, फिश चाहिए, चिकन चाहिए, मटन छोड़ देना, अच्छा मटन छोड़ के, क्योंकि मटन तो फ्रेश आपको या तो फ्रिज या फिर ऐसा, इसलिए वो मटन नहीं दे रही है। तो देसी मुर्गा वगैरह जो भी है, फिश है, कुछ भी अगर आपको इधर आइटम है तो आपको वो फ्रेश खाना मिलता है, दाल भात सब्जी सारा कुछ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का ये मुर्गा कटेगा तो सब में बटेगा, कटने के लिए जा रहा है। ओके, तो खाना है अभी फिलहाल रेडी, आलू भाजा हो गया है, पापड़ हो गया है, भाई वहाँ पे दाल चौक लगाने के लिए थोड़ा मासी का हेल्प कर दे रहा है, इसमें चिकन भी हो गया है बोल बहुत, और जो लोगों को थोड़ा सलाद वगैरह खाना है वो खा ले। अभी जो है हम लोग का है खाना रेडी हो गया है, और मेरे सामने में प्लेट आ गया है, लेकिन अभी भात नहीं आया, चावल नहीं आया। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठे हैं। ओके, खाना आने से ही खाएंगे, और जो अभी हमारा मेन्यू है वो राइस है, चिकन है, दाल है, आलू भाजा है, पापड़ है और सलाद है। ओके, तो यहाँ पे अभी सी पुल का नज़ारा, सी व्यू का नज़ारा और खाना शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो अभी यहाँ पे समुद्र का नज़ारा देखते हुए खाना खाएंगे हम। तो अभी हमारे पास राइस, सलाद, सो क्या अभी हो गया हम लोग का खाना पीना, अभी मेरा सभी लोग का हो गया है, ऐसा लास्ट में खा रही है, और मैं कोल्ड ड्रिंक छोटा वाला लिया हूँ, छोटा पैक, और मैं थोड़ा कोल्ड ड्रिंक खा लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जो है चावल और चिकन है कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। ओके, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे होटल में, रिसोर्ट में, फिर वहाँ पे आपको उसका पूरा टूर देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि जो ब्लॉग है, वीडियो है, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।